बीमारी है जो इंसान को अंदर से हिलाकर रख देती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें कैंसर हुआ है, जिसमें से बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे हैं, बॉलीवुड एक्टर इरफान खान हैं और आयुष्मान खुराना की पत्नी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। जी हाँ, आपको बता दें कि आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप को भी ब्रेस्ट कैंसर है। और अब एक खबर सामने आई है कि बॉलीवुड के एक और एक्टर को कैंसर हो गया। हालांकि इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन आज हम उसी एक्टर के बारे में बताने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट सुगत और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन अभिनेता डांसर शाहिद कपूर के बारे में। आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक फेक खबर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। उस फेक खबर में ऐसा कहा गया है कि शाहिद कपूर को कैंसर हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि उनको कैंसर नहीं हुआ है और उनके परिवार वालों ने इस बात पर भी गुस्सा जाहिर किया है। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ये फेक खबर काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि शाहिद कपूर को कैंसर हो गया है, वो वाकई काफी ज्यादा शर्मनाक है। तो फिर बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और देखते हैं कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है और ये खबर क्यों फैल रही है कि शाहिद कपूर को कैंसर हो गया है और उनके परिवार वालों ने इस बात पर, इस वायरल खबर पर क्या कुछ बयान दिया है। गुस्से से तिलमिलाकर शाहिद कपूर के परिवार वालों ने काफी ज्यादा अपना गुस्सा जाहिर किया है। तो फिर बिना देरी किए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे पिछले काफी वक्त से कैंसर से जूझ रही हैं और वो अपने कैंसर का इलाज न्यूयॉर्क में करवा रही थी। और इतने महीनों तक न्यूयॉर्क में अपने कैंसर का इलाज करवाने के बाद सोनाली बेंद्रे अपने देश मुंबई वापस आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनके सर पे से कैंसर का खतरा टला नहीं है और अभी भी सोनाली बेंद्रे कैंसर से जंग लड़ रही हैं। वहीं अगर बात की जाए बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्टर इरफान खान की, तो आपको बता दें कि इरफान खान भी न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से जूझ रहे हैं और उन्हें भी काफी वक्त से कैंसर है और लंदन में वो अपने कैंसर का इलाज करवा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि बॉलीवुड के चॉकलेटी लुक एक्टर और बेहतरीन डांसर शाहिद कपूर को लेकर मीडिया में खबरें फैल रही हैं कि शाहिद कपूर को पेट का कैंसर हुआ है, जिसे लेकर शाहिद कपूर के फैंस काफी ज्यादा निराश हुए हैं। लेकिन अब इस खबर को अफवाह बताया जा रहा है, क्योंकि इस बात की पुष्टि तब हुई जब शाहिद कपूर के घर वालों ने भी इस खबर को झूठा बताया। खबरों की माने तो शाहिद के परिजनों ने कहा है कि लोग कुछ कैसे लिख सकते हैं और इस अफवाह का कोई आधार नहीं है और इस तरह की अफवाह फैलाने का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। बता दें कि शाहिद की हाल ही में फिल्म बत्ती गुल मीटर शाल रिलीज हुई थी। खबरों की माने तो इस बात का शाहिद को पता चला कि वो खुद इस जानने के बाद काफी जोर जोर से हंस पड़े। शाहिद की मैनेजर आकांक्षा ने इस खबर को अफवाह और सरासर गलत बताया है और शाहिद कपूर के घरवाले खुद इस खबर को सुनने के बाद तंग रह गए। आपको बता दें कि शाहिद कपूर के फैंस काफी ज्यादा सदमे में चले गए थे जब उन्हें पता चला कि शाहिद कपूर को लेकर ऐसी खबर आ रही है कि सोनाली और इरफान खान की तरह शाहिद कपूर को पेट का कैंसर हुआ है। हालांकि ये खबर सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन फैंस इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं और शाहिद कपूर के फैंस काफी ज्यादा सदमे में है। हालांकि आपको बता दें कि शाहिद कपूर के घर वालों ने जब से ये बयान दिया है कि ये सारी खबर सिर्फ एक सिर्फ अफवाह है और ऐसा कुछ भी नहीं है, तब से फैंस काफी ज्यादा खुश हैं कि आखिरकार शाहिद को लेकर ये सारी झूठी खबरें जो फैल रही हैं वो सारी खबरें फेक हैं और शाहिद कपूर बिल्कुल अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। आपको बता दें कि ये खबर सुनने के बाद शाहिद कपूर के घर वालों को भी बड़ा झटका लगा था, क्योंकि कैंसर कोई छोटी बीमारी नहीं है, ये काफी बड़ी बीमारी है। और जब से फैंस ने ये सुना कि शाहिद को कैंसर हुआ है, तभी से पूरे बॉलीवुड के साथ साथ फैंस और
शाहिद कपूर के घरवाली दंग रह गए थे। वहीं अगर बात की जाए शाहिद कपूर के वर्क फ्रंट की, तो आपको बता दें शाहिद फिलहाल अपनी अपकमिंग फिल्म कबीर सिंह की शूटिंग में काफी बिजी हैं। ये फिल्म साल 2019 में रिलीज होगी। बात करें कबीर सिंह की, तो आपको बता दें तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी का रिमेक है। तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया। बता दें कि फिल्म की कहानी मेडिकल छात्र पर आधारित, जो अपने से छोटी लड़की के प्यार में पड़ जाता है। फैंस भी शाहिद कपूर की इस फिल्म का काफी बेसब्री से देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। फैंस चाहते हैं कि शाहिद की फिल्म जल्द से जल्द रिलीज हो और शाहिद कपूर अपने फैंस को इस फिल्म के साथ एक काफी बड़ा सरप्राइज दे। आपको बता दें कि शाहिद कपूर के घर में इन दिनों खुशियों का माहौल है, क्योंकि शाहिद कपूर दूसरी बार पापा बन चुके हैं। बीते ही दिनों शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत ने एक प्यारे से बेटे जैन कपूर को जन्म दिया है, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। शाहिद कपूर को हर जगह से बधाइयां मिल रही हैं और हर कोई खुश है कि शाहिद कपूर की फैमिली अब पूरी तरह से कम्प्लीट हो गई है। आपको बता दें कि शाहिद कपूर पहले ही एक बेटी के पिता थे और अब एक बेटे के भी पिता बन चुके हैं। मीशा कपूर को अपना एक छोटा भाई मिल गया है, जिनका नाम है जैन कपूर, और पूरा कपूर परिवार जैन के आने से काफी ज्यादा खुश है। सोशल मीडिया पर जैन कपूर की तस्वीरें भी काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। और ये स्टार किड यानी कि जैन कपूर जब से पैदा हुए हैं तभी से लाइमलाइट बटोरना नहीं भूले। सोशल मीडिया पर जैन कपूर की तस्वीरें आए दिन वायरल होती रहती हैं और जैन कपूर की क्यूटनेस को देखकर फैंस भी काफी ज्यादा खुश हैं और आए दिन जैन कपूर की तस्वीरों पर क्यूट क्यूट कमेंट्स भी करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि शाहिद कपूर अपने भाई ईशान खट्टर के साथ जल्द ही कॉफी विद करण के सीजन 6 में नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर दोनों भाइयों की तस्वीर करण जौहर के साथ काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ईशान खट्टर और शाहिद कपूर दोनों ही कॉफी विद करण में नजर आएंगे और एक दूसरे की सारी पोल पट्टी भी खोलने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले शाहिद कपूर अपनी पत्नी मीरा राजपूत के साथ पहुंचे थे और इस बार शो इसलिए खास होगा क्योंकि पहली बार इतने बड़े शो में शाहिद और ईशान एक साथ नजर आने वाले हैं। करण जौहर ने शूट के बाद तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी। तस्वीर में शाहिद, करण जौहर और ईशान खट्टर तीनों को ही ब्लैक ड्रेस में देखा जा सकता है। फोटो देखकर यह भी पता चलता है कि शाहिद और ईशान के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अब फैंस को इस एपिसोड के टेलीकास्ट होने का काफी बेसब्री से इंतजार है। अब हर कोई शाहिद और ईशान खट्टर को पर्दे पर देखना चाहता है। आपको बता दें कि ईशान खट्टर भी बॉलीवुड में काफी बेहतरीन एक्टर साबित हो गए हैं। ईशान खट्टर ने अब तक 2 फिल्में कर ली हैं और ईशान खट्टर की एक्टिंग के लोग काफी ज्यादा दीवाने हो गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ईशान खट्टर और शाहिद कपूर की आए दिन सोशल मीडिया पर तुलना होती रहती है और ये पहली बार होगा जब ये दोनों सौतेले भाई ईशान खट्टर और शाहिद कपूर की जोड़ी करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में देखने को मिलेगी। वेल दोस्तों, तो देखा आपने कि इस वायरल खबर पर शाहिद कपूर के परिवार वालों ने किस तरीके से गुस्सा जाहिर किया है। हालांकि ये गुस्से वाली बात भी थी क्योंकि शाहिद कपूर के झूठे कैंसर की खबर जिसने भी फैलाई है वो वाकई काफी ज्यादा गलत हरकत है और इसी वजह से शाहिद कपूर के घर वालों का गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल जाहिर है। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए हमें दे दीजिए इजाजत क्योंकि अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दी एंड करने का। पर आप निराश ना होइए, एक बार फिर लौटूंगी बॉलीवुड से जुड़ी कुछ और तमाम मजेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बॉलीवुड की हॉट स्पाइसी और चटपटी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।